ये जो नया लेटेस्ट वीडियो आया है, और मैं अपने सभी मेहमानों से कहूंगा, सर समय थोड़ा कम है, मैं आप सभी के पास आऊंगा लेकिन थोड़ा शार्प रिएक्शन लूंगा। जल साहब, आई एम कमिंग टू यू। सुमित, वेरी क्विकली, सॉरी इंतजार कराने के लिए मेरे भाई, क्या कहेंगे? ये जो लेटेस्ट वीडियो आया, इसने फिर से एक्सपोज कर दिया चाइना को। सर वहाँ मौसम बदला है, अब टेम्परेचर पेंगोंग इलाके में -15 डिग्री 20 डिग्री तक पहुंच गया है, और उसी में चीनी सैनिकों की हालत ख़राब हो गई है। पिछले 15 दिनों के अंदर 80 से ज़्यादा चीनी पीएलए की कैजुअल्टीज हुई हैं, उनको इवैक्यूएट किया गया है। वो लगातार वहाँ पर बेस हॉस्पिटल बना रहे हैं, नए थर्मल ट्रेंट मंगा रहे हैं, इक्विपमेंट मंगा रहे हैं, लेकिन फिर भी चीन के सैनिक वहाँ पर नहीं टिक पा रहे। यही कंपैरिजन, ये फिर भी मानने की बात नहीं है, ये मान तो कहाँ रहे। जन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, वेरी क्विकली योर टेक सर। निशांत, the only army in the world which is sitting on the highest battlefield is India, सियाचिन में बैठी है। आपने कारगिल की लड़ाई में 18,000 फीट तक देखा भारत सेना ने किस तरह से हरकत की। आपको ये भी मालूम है कि कश्मीर वैली के अंदर स्नो बाउंड एरिया में आर्मी रहती है 4 से 6 महीना, 1 साल के अंदर। आपको ये मान लेना चाहिए कि विश्व में कोई ऐसी आर्मी नहीं है जिसको हाई ऑल्टीट्यूड विंटर में रहने की आदत ना हो, वहाँ की सिखलाई ना हो। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा यहाँ पर, मैं आपके पास एक और सवाल रख रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।